हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, हमने लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट देखे और लोकसभा इलेक्शन में एनडीए जो ग्रुप है वो सरकार बना रहा है, सरकार बनाने जा रहा है। एनडीए के जो पार्टनर पार्टीज है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, ये दोनों ही स्टेट कौन से, बिहार और आंध्र प्रदेश, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं कि बिहार ने जो डिमांड किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्या वो वाजिब है, क्या बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगी, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, किस पैरामीटर पर इसको दी जाती है और क्या बिहार क्वालिफाई करता है। सिमिलर वे में आंध्र प्रदेश को भी हम इसी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार हैज बीन डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर ईयर्स, आज ही नहीं कई सालों से बिहार ऐसी डिमांड कर रहा है। हाल ही में बिहार ने अपने राज्य में कास्ट सेंसस कराया है, कास्ट सर्वे कराया है और इस सर्वे में पता चला है कि बिहार की मेजॉरिटी जनसंख्या, बिहार में 94 लाख फैमिली जो है बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाती है। तो बिहार ने दोबारा डिमांड किया है कि कास्ट सेंसस के बेसिस पे हमें आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, क्योंकि वो रूलिंग अलायंस में आ गई है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार। तो ये डिमांड जो है और ज्यादा बल पकड़ती जा रही है। आंध्र प्रदेश भी सिमिलर डिमांड कर रहा है। सो लेट अस एक्सप्लोर क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो हमारे संविधान में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मेंशन नहीं है। सो इट इज मेंशनड नोवेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसका रेफरेंस कहां पर आता है? इसका रेफरेंस आता है फाइनेंस कमीशन। सो क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय फाइनेंस कमीशन, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने दिया था 1969 में। तो दो बातें याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है, इसका प्रोविजन दिया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 1969 में, ये दोनों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब यह है कि सपोज सम स्टेट देर इज ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, उस स्टेट की ज्योग्राफी ऐसी जहाँ पर माउंटेन है, पहाड़ है, बहुत सारे डिफिकल्ट ज्योग्राफी है उसकी, और उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है उस स्टेट को। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट की, तो वो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे चीज़ें प्रभावित होगी, साथ ही साथ स्टेट के रेवेन्यू भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्निंग वहाँ पर नहीं हो सकती। ऐसे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्पेशल फंड देती है या ज़्यादा फंड देती है, इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सो क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिकली गाडगिल कमेटी, जो गाडगिल फॉर्मूला है, उसने क्राइटेरिया दिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के। उसका प्राइमरी क्राइटेरिया है हिली टेराइन और ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी, और ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी ये है मेन क्राइटेरिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का। इंडिया में फिलहाल कौन कौन से स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है? जो सारे हिमालयन स्टेट है, आप इंडिया का मैप बनाओ, ये सारे स्टेट जो है हिमालय से जो बॉर्डर टच करते हैं, ये सारे स्टेट कौन कौन से? एक नंबर पे जम्मू कश्मीर, दो नंबर पे लद्दाख, तीन नंबर पे उत्तराखंड, चार नंबर पे हिमाचल प्रदेश, पांच नंबर पे सिक्किम, ठीक है, और सिक्किम के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सेवन सिस्टर्स है, इन सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं हिमालयन जो स्टेट है वो सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्यों दिया गया है? हिली टेराइन है, पहाड़ियां हैं वहां पर, तो ज्यादा डेवलपमेंट वैसे ही नहीं हो सकता। पहाड़ियां हैं तो एग्रीकल्चर की लैंड बहुत कम अवेलेबल है, तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तो ये मेन क्राइटेरिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को देने का। इसके अलावा कई सारे सेकेंडरी क्राइटेरिया है। तो प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? एक नंबर वाला। सेकेंडरी क्राइटेरिया कौन से हैं? ये सारे कौन कौन से? लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम होवे। दूसरा साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन हो। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, यानी कि उस स्टेट के आसपास जो है सामरिक महत्व हो उसका, यानी कि कोई इंटरनेशनल बाउंड्री हो। इसके अलावा इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हो।
तो आप ये देखो कि ये जो 11 जो स्टेट और यूटी है इनमें ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, 11 नहीं 12 है ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो यूटी बन गए हैं, तो 12 है ये। ठीक है, अब इनमें देखो किसी कोई भी स्टेट ले लो, इनमें सिक्किम ले लो, सिक्किम हिली टेरेन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत सारी, इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग लाई करता है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, और स्टेट के फाइनेंसेस ऐसे हैं जो नॉन वायबल है। इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस नहीं है स्टेट के पास। तो ये सारे क्राइटेरिया, लेकिन याद रखना मेन क्राइटेरिया है ज्योग्राफिक क्राइटेरिया या हिली टेराइन, ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, इसी के बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इन 12 स्टेट और यूटी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। अब इसका फायदा क्या मिलता है, इसका फायदा क्या मिलता है, तो आप जानते हो कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें से एक कैटेगरी की योजना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है जनरल स्टेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टेट है और स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट है, तो जनरल कैटेगरी स्टेटस में 60% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट को मिलाना पड़ता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को मिली हुई है तो वहां पर 90% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट को मिलाना है, तो फंड का जो डिवोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, तो योजनाओं में बहुत ज़्यादा फंड मिलता है इनको। तो ये 12 जो स्टेट यूटी है इनको बहुत काफ़ी सारा फंड मिलता है, एक फायदा। दूसरा, ये जो स्टेट होते हैं इनको कई सारे कंसेशन दिए जाते हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो, इन सारे चीज़ों में बहुत सारा कंसेशन मिलता है, तो ये भी एक बड़ा फायदा है। तीसरा, तीसरा एक फायदा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ये है कि इन स्टेट में क्या होता है, फंड का जो अलोकेशन होता है सेंटर की तरफ से वो एनुअल यानी ईयर वाइज होता है। जब साल खत्म हो जाता है तो ये फंड अपने आप लैप्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया 1,000 करोड़ रुपए दिए, और उस 1,000 करोड़ रुपए में से मान लिया 900 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट ने खर्च किए, और 100 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े रह गए साल के एंड में, तो ये 100 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे। लेकिन स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट है उनके केस में ऐसा नहीं होता है, इनमें पेंडिंग पड़ा हुआ फंड लैप्स नहीं होता है, तो ये भी एक फायदा ही हुआ है ना। तो ये बेनिफिट मिलते हैं, इस वजह से बिहार आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। नाउ बिहार का केस क्या है, बिहार किन ग्राउंड पर डिमांड कर रहा है, तो बिहार का पहला ग्राउंड है गरीबी। बिहार ने अपने राज्य में कास्ट सेंसस कराया और वहां ये कहा कि हमें कास्ट सेंसस के बाद पता चला है कि 94 लाख हाउस होल्ड है बिहार में जो बिलो पॉवर्टी यानी बीपीएल लाइन में आता, 94 घर, 94 लाख हाउस होल्ड, तो इतने सारे लोग हैं, तो इतनी गरीबी है बिहार में, तो आप हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। ज्योग्राफिकल चैलेंज बताया बिहार ने, बिहार ने ये कहा कि बिहार का एक हिस्सा है उत्तरी बिहार, जहां पर फ्लड आती है, नदन बिहार में फ्लड आती है और सदन बिहार में ड्रॉट आता है, यानी कि उत्तरी बिहार जहां गंगा रिवर का पानी आता है वहां तो आती है बाढ़, कोसी नदी ये सारे एरिया में, लेकिन नीचे वाले एरिया में सूखा आता है, तो ये ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी है हमारी। तीसरा, बिहार ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, अगर आपको याद हो तो बिहार को काट के झारखंड बनाया था, सारी की सारी इंडस्ट्री और मिनरल बेल्ट चला गया झारखंड में, तो बिहार का ऐसा मानना है कि जब झारखंड बनाया तो सारी इंडस्ट्री वहां चली गई, तो हमें नुकसान पहुंचा है। तो बिहार के ग्राउंड क्या है, गरीबी, 94 लाख हाउस होल्ड जो है पुअर है। दूसरा ग्राउंड क्या है कि ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी है, कुछ एरिया में हमारे फ्लड आता है, बाकी एरिया में हमारे ड्रॉट आता है। थर्ड, बिहार ने ये कहा कि हमारा झारखंड बनने की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ है, तो आप हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। कुछ और स्टेट भी ऐसा मांग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश क्यों मांग कर रहा है, आंध्र प्रदेश का ऐसा कहना है कि जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और हमारी जो राजधानी है हैदराबाद वो जब तेलंगाना को दे दी गई, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान हुआ आंध्र प्रदेश को, उसकी वजह से हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। उड़ीसा भी डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, उड़ीसा का ऐसा कहना है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर है, चाहे वो साइक्लोन है, चाहे वो सुनामी है, ये उड़ीसा में बहुत सारे आते हैं, फ्लड आती है उड़ीसा में, तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। तो देर आर नंबर ऑफ स्टेट विच आर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टेट ऐसा डिमांड कर रहे हैं।
अब बिहार के केस को हम एनालाइज करते हैं गार्डगिल फॉर्मूला के बेसिस पर। हमने ये देखा था कि दो दो टाइप के क्राइटेरिया है, एक प्राइमरी क्राइटेरिया जिसमें हिली टेराइन और ज्योग्राफिकल कंस्टेंट ये, और दूसरे है सेकेंडरी क्राइटेरिया। तो बिहार के केस में ऐसा है कि बिहार सेकेंडरी क्राइटेरिया को तो फुलफिल करता है, लेकिन हिली टेराइन और ज्योग्राफिकल कंस्टेंट वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। तो इसकी वजह से लॉजिकली बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। वेल बिहार फुलफिल मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया स्पेस ऑफर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सच एज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। इट डज नॉट मीट प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ हैविंग ए हिली टेरेन और ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी। यानी कि बिहार का जो धरातल है वो डिफिकल्ट नहीं है, प्लेन एरिया है, ऐसे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस वजह से बिहार प्राइमरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। अब अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाए और वो डिमांड भी करेंगे तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हमें मिलेगा रघुराम राजन कमेटी की रिकमेंडेशन में। रघुराम राजन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ये कहा था कि बिहार को द कमेटी सेटअप इन 2013 इट क्लासिफाइड बिहार एज ए लीस्ट डेवलप स्टेट। तो कमेटी ने बिहार को क्लासिफाई किया लीस्ट डेवलप स्टेट, और इट हैज सजेस्टेड ए न्यू मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स फॉर डिवॉल्विंग फंड इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो रघुराम राजन कमेटी ने 2013 में ये कहा कि बिहार को जो है लीस्ट डेवलप स्टेट कैटेगरी में डालो, और फंड जो बिहार को मिलते हैं, फंड देने का जो क्राइटेरिया है वो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रखो, और फंड का डिवोल्यूशन बिहार को उस तरीके से करो कैसे लीस्ट डेवलप स्टेट की कैटेगरी में, ताकि और बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो। तो वो भी एक एक्स्ट्रा फंड देने का एक तरीका हो गया। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा 14th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा कहा था कि किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना है उसकी रिकमेंडेशन से। इसका मतलब ये है क्योंकि बिहार प्राइमरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, और 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी भी स्टेट को नहीं देना है, तो मिडिल वे क्या है, रघुराम राजन कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बिहार को लीस्ट डेवलप स्टेट कैटेगरी में डाल के फंड का डिवोल्यूशन कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बेसिस पर। ये एक मध्य का रास्ता हो सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एक तरीका है, और टारगेटेड स्कीम जो है बिहार में स्पेसिफिकली रीजनल स्कीम को प्रमोट किया जा सकता है और ज़्यादा फंड इनको दिया जा सकता है। तो ये अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है। आंध्र प्रदेश के केस में भी सिमिलरली आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये था एक ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, और बिहार को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच।